नया दिन, नई जगह, जाने की तैयारी में बैठा हूँ मैं। तो आज मैं जा रहा हूँ बास्ताई ब्रिज। बास्ताई ब्रिज आपके जैक्सोनी में पड़ता है और जो कि ड्रेसडन के बहुत पास में। और फिलहाल मैं बैठा हूँ अभी बर्लिन जाडोबी में। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आपको ऐसे बर्लिन जाडोबी, ड्रेसडन जाडोबी, तो इसका मतलब होता है वहाँ के जो बस स्टेशन हैं उनको ये जाडोबी बोलते हैं। और फ्लिक्स बस, ब्लाबला बस, पिंक बस, बहुत सारी बसेज हैं जो काफ़ी फेमस हैं पूरे जर्मनी और यूरोप में। तो आप इनके टिकट ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और इवन यहाँ आके भी आप ख़रीद सकते हैं। और यह है पूरा बर्लिन का बस स्टेशन। सारी बसेस खड़ी हैं, मैं अपनी बस का वेट कर रहा हूँ। मेरी फ्लिक्स बस है जो 7:30 को यहाँ से मुझे ड्रेसडन पहुँचाएगी। और ड्रेसडन का बास्ताई ब्रिज का मैं देखूंगा, अगर वेदर ठीक हुआ तो ही आगे जाऊंगा, वरना ड्रेसडन घूमूंगा। क्योंकि बास्ताई ब्रिज में आपको ट्रैक करना है और ट्रैक के लिए वेदर सही होना चाहिए। फिलहाल बस आ गई है, अब इसमें चढ़ने वाला हूँ। ड्राइवर बाहर आए हैं। ऐसी टाइप की बसेस होती हैं पूरे यूरोप में, फ्लिक्स बस, ग्रीन कलर की। और फ्लिक्स बस काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। तो आप प्राइजेस कंपेयर कर सकते हैं ब्लाबला बार, ब्लाबला बस और फ्लिक्स बस के। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 1-2 यूरो का डिफरेंस रहता है बस। अगर आपको चीप ट्रैवल करना है तो बसेस बेस्ट हैं यूरोप में घूमने के लिए, कंपेयर विद द ट्रेन और फ्लाइट्स। फ़्लाइट्स भी काफ़ी चीप होती हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल मैं बस के अंदर बैठ गया हूँ। ज़्यादा पब्लिक नहीं है कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड अभी भी फैल रहा है। और बस चल रही है ऑन टाइम, यानी कि 7:30 का टाइम था तो 7:30 स्टार्ट हो रही है। और यह है पूरा आपका बर्लिन जर्नी। स्टार्ट हुई है, ड्रेसडन पहुंचने का वेट कर रहा हूँ। सामने जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, उसमें पूरा नेविगेशन आता है, मतलब मैप आता है कहाँ बस पहुँची, कहाँ जा रही है, जैसे फ्लाइट में होता है। उधर टेम्परेचर है जो कि 17 डिग्री टेम्परेचर है पर दिन का। फ्रेंड्स, फाइनली मैं ड्रेसडन पहुंच चुका हूं और यह है ड्रेसडन का रेलवे स्टेशन। यहां से मुझे ट्रेन लेनी है बास्ताई ब्रिज के लिए। तो बास्ताई ब्रिज सीधी ट्रेन जाती नहीं है। बास्ताई ब्रिज जाने के लिए आपको एक स्टेशन है, नाम भूल रहा हूं मैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां तक जाना है। और उसका जाने का टिकट था 6.8 यूरो का और आने का टिकट 6.8 यूरो का। तो मैंने प्रेफर करा कि मैं पूरे डे का पास ले लूँ, जो कि ऐसा है। तो ये 15 यूरो का पड़ा, इसमें मैं कितनी भी बार ट्रैवल कर सकता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ
बास्ताई ब्रिज के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। यह है पूरा ड्रेसडन का सेंट्रल स्टेशन और वी कैन से रेलवे स्टेशन। और यहाँ से नंबर थर्टीन प्लेटफॉर्म से मेरी ट्रेन जाएगी। यहाँ पे लिडिल है, सुपर मार्केट्स हैं, चाहे तो आप ऑन द वे शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। थर्टीन फोर्टीन यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी ब्लू कलर की मशीन मिल जाएंगी जिसमें आपको आपका टिकट वैलिडेट करना है उस दिन के लिए। ऐसे क्लिक की आवाज़ आए तो इसका मतलब आपका टिकट वैलिडेट हो गया और ये आज के लिए पूरा वैलिड है। आपको बताता हूँ बास्ताई ब्रिज के आगे मैं जा रहा हूँ, वो सैंडस्टोन्स की रॉक्स हैं और उनके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। तो वहाँ पे बहुत सालों पहले कोई कैसल हुआ करता था, कैसल तो टूट गया, लेकिन 1800 में वहाँ पे एक वुडन ब्रिज बनाया और उसके बाद उसको सीमेंटेड कर दिया। तो वही है बास्ताई ब्रिज की कहानी। और ये पड़ता है आपका जैक्सोनी एक स्टेट है जर्मनी का जिसकी कैपिटल है ड्रेसडन, तो उस स्टेट में पड़ता है। जैक्सोनी में मतलब ये बॉर्डर अटैच होता है चेक रिपब्लिक और जर्मनी के, तो बस वहीं है। और वहाँ पे पूरा माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, एल्ब रिवर है, तो एल्ब रिवर के पास में आप हाइक कर सकते हो, बहुत सारी हाइकिंग की प्लेसेस हैं, तो वहीं पे जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, चलो ट्रेन आने वाली है मेरी, देखते हैं फिर। तो मेरी ट्रेन आ गई है, F1 जाती है वेस्टर्न से उत्तराखंड तक, और यही ट्रेन मुझे लेनी है। और ये निकलेगी अभी यहाँ से, 5 मिनट में निकलने वाली है ये, तो यही ट्रेन है मेरी जिसमें मुझे बैठ के जाना है।
मैं पहुंच गया हूं अपने स्टेशन पे कुरोर त्राथेन, और यही है वो बास्ताई विलेज और डॉर्फ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, एल रिवर के पास में बसा हुआ है। ये देखिए पर बारिश हो रही है तो शायद ऊपर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज। वहाँ पे है बास्ताई ब्रिज, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो कुछ कह नहीं सकते। फ्रेंड्स मैं कुरुड राथेन पहुंच गया था थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे ये टाउन बसा हुआ है पूरा, आप देख रहे होंगे पूरा विलेज है। और मुझे ये वाली जो बोट आ रही है ये एल रिवर क्रॉस करके उस साइड लेके जाएगी, वहाँ से पूरी हाइकिंग शुरू होती है। तो मैंने अभी टिकट ले लिया है, टिकट मुझे कॉस्ट पड़ी है 2.5 यूरोज़ टू एंड फ्रो, मैं एक बार जा सकता हूँ वापस आ सकता हूँ, और ये सर्विस कंटिन्यूस है, हर हाफ एन आवर में ये बोट आपको इधर से उधर उधर से इधर लेके आती है। तो यही है एल्ब रिवर बह रही है, मेरे को वहाँ पे जाना है, वो सब सैंड स्टोन्स की माउंटेन्स है, उन्हीं के बीच में है बास्ताई ब्रिज जो आज मुझे कवर करना है। वेदर बारिश रुक गई है तो शायद देखो मैं जा सकता हूँ। यह विलेज है कुरुट राथेन, एकदम फेरी टेल वाला विलेज लग रहा है। और ये बसा हुआ है एल्ब रिवर के पास में। कैट आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यही है बास्ताई जाने का रास्ता, लेट्स गो। छोटे बच्चे भी ट्रैक कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये पूरा रास्ता बास्ताई ब्रिज की चढ़ाई का है जो कि काफ़ी स्टीप है, इन जंगलों से होकर निकलना है, और हाइक ज़्यादा लंबी नहीं है, हाइक और अराउंड 1 आवर ऐसे ही कुछ है, पर लेकिन काफ़ी स्टीप है तो थोड़ी सांस फूल रही है, और इवन बरसात में भी बहुत लोग हाइक करने आए हुए हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, आई थिंक अब स्टेयर्स आ गई हैं, स्टेयर्स चढ़नी है, बाकी ये पूरा रास्ता है हाइक का।
ये पूरे स्टे हाउस है जो ऊपर बास्ताई ब्रिज तक जा रही है। तो फाइनली कुछ क्लिम्स देखना स्टार्ट हुआ बास्ताई ब्रिज का। सामने दिख रही हैं आपको सैंडस्टोन की माउंटेंस और उन्हीं के कहीं बीच में है बास्ताई ब्रिज। तो शायद 1/4 रास्ता कवर हो गया अभी और बाकी और करना है इस स्टीप चढ़ाई पे। आई थिंक ये टोटल चढ़ाई 300 मीटर्स की है पर काफ़ी स्टीप है। सारा ऐसे स्टेयर्स और स्टीप पाथवे बने हुए हैं जिन पे आपको चलना है, पर व्यूज़ जो आपको ऊपर से मिलेंगे वो अमेजिंग होंगे। एल्ब रिवर, पूरा सैंडस्टोन की माउंटेन्स, यही सब। यह है पूरी सैंडस्टोन की माउंटेन्स जो आना स्टार्ट हो गई हैं अब। ये है वो लाइमस्टोन जिनकी पूरी माउंटेन्स बनी हुई हैं। गाइस अगर आपको लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना मत भूलना। और ये आने वाला है हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट जहाँ से आपको एल्ब रिवर के नज़ारे दिखेंगे। ड्रेसेस ऑफ मिडियावल हिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक कैसल हुआ करता था जो बाद में टूट गया, उसकी जगह बास्ताई ब्रिज बनाया। 1289 में। तो अभी भी उसके रूम्स हैं कुछ, वो आप देखने जा सकते हैं यहाँ से अगर चाहें तो। और टिकट प्राइस है 2.5 यूरो 1 पर्सन अगर आप वो मिडियवल एज के रूम्स देखना चाहते हैं तो।
पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने का, क्योंकि इसमें भी वापस ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख लो, ये है पूरा वो बास्ताई ब्रिज। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। यह इसका एंट्रेंस, दो केव्स के बीच में ऐसा वैसा गेट है, और यह है पूरा आपका बास्ताई ब्रिज जिस पे अब मैं चलने वाला हूँ। यह है वो ब्रिज जिसे देखने दुनिया आती है, और यहाँ से आप व्यूज देखिए सैंडस्टोन माउंटेंस के। तो आप समझ सकते हैं इतना नहीं होता मतलब। तो बाकी हर जगह आपको ऐसे स्टेयर्स कंप्लीट करो ऐसा मिल जाएगा। चेक करते टाइम से ओके।
ज्यादा लंबा ट्रैक नहीं होता, 1 आवर करके हाइक है, सॉरी 1 आवर हाइक करने के बाद आप बस स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो पता है मुझे 15 मिनट हुआ अभी और मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया, तो बस यही है उतर के नीचे देखना है क्या क्या यहां पे इस विलेज में देखने का। एकदम छोटे छोटे बच्चे यहां पे हाइक करने आते हैं, इस लड़की की एज ज्यादा नहीं होती, 7 या 8 साल होगी, जो अपने पापा के साथ हाइक करने आई है। तो हाइकिंग और ट्रैकिंग करते यूरोप में बहुत है और बाइकिंग। हेलो फ्रेंड्स, पास्ताई ब्रिज से नीचे उतरने के बाद, हाइकिंग ख़त्म करने के बाद, मैंने अम्ज़ेल ज़ी के जाने की तरफ का रास्ता लिया। आई मीन वही रास्ता स्वीडिश हॉल्स की तरफ भी जाता है, जो कि ऑल्सो एक पॉपुलर हाइकिंग डेस्टिनेशन है। तो वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और अम्ज़ेल ज़ी क्या है, एक लेक है रथानमिंग। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो, दो टाइप की बोट्स हैं यहाँ पे, रबर बोट मतलब चक्कू वाली बोट और पैडल बोट। तो जो पैडल बोट है उसका रेंट है 6 यूरो फॉर 4 पर्सन 30 मिनट्स, और जो चक्कू वाली बोट है उसका रेंट है 4 यूरो 30 मिनट्स 4 पर्सन, तो यानी कि 1 यूरो पर पर्सन पड़ेगा। और ये लेक है यहाँ पे, और ये जो रास्ता जा रहा है आगे, ये स्वीडिश हॉल्स की तरफ जा रहा है, जो कि ऑल्सो एक पॉपुलर हाइकिंग डेस्टिनेशन है। जाता हूँ मैं भी इसी तरफ। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ स्वीडिश हॉल्स की तरफ, और ये पूरा रास्ता है स्वीडिश हॉल्स जाने का, जो कि ऑल्सो एक हाइकिंग ट्रेल ही है। पर अभी कोई आगे पीछे नहीं है, पूरा रोड सुनसान है। दो लोग मेरे आगे जा रहे हैं हाइक करते हुए, और ये वुडन ब्रिज, इसके नीचे से नदी बह रही है। नदी क्या, छोटा सा नाला टाइप ही है, यही आगे जाके एजलेन सी में मिलेगा। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स आगे, देखते हैं स्वीडिश हॉल्स क्या है, क्या चीज़ है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ स्वीडिश हॉल्स के हाइकिंग के ट्रेल पे। ट्रेल यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी ऊपर तक। ये देखिए स्वीडिश हॉल जर्मन में लिखा हुआ है, बास्ताई, पर देख के आना पड़ेगा ऊपर क्या है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ स्वीडिश हॉल्स के हाइकिंग के ट्रेल पे। ट्रेल यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी ऊपर तक। ये देखिए स्वीडिश हॉल जर्मन में लिखा हुआ है, बास्ताई, पर देख के आना पड़ेगा ऊपर क्या है। सो गाइस, अभी मैं स्वीडिश हॉल्स के ट्रैक पे जा रहा हूँ। दोबारा से एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना है, एक तो अभी बास्ताई वाला चढ़ के आया था, अब देखता हूँ ये तो काफ़ी स्टीप है, और क्या है आगे कुछ पता नहीं है मुझे। स्वीडिश हॉल्स जाने के लिए काफ़ी स्टीप स्टेयर्स हैं और कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे वार्निंग लिखी हुई थी कि आप आपके रिस्क पे जाइए ऊपर, पर ऊपर सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जाके देखता हूँ क्या मिलता है। स्वीडिश हॉल जाने के लिए अभी कम से कम 100-200 स्टेयर्स तो मैं चढ़ के आया हूँ, और अभी ये स्टेयर्स मुझे चढ़नी है ऊपर। शायद यही सब स्वीडिश हॉल्स हैं जहाँ पानी गिर रहा है केव्स के अंदर से। पर उतरते टाइम मुझे काफ़ी केयरफुल उतरना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हुई है, पूरा स्लिपरी है। अगर एक पैर फिसला मेरा तो सीधा मैं नीचे ही मिलूँगा। पर फिर भी देखते हैं क्या है। वाओ, यह है सब स्वीडिश हॉल्स, केव्स हैं, पानी निकल रहा है रास्ते में से, और आप केव्स के बीच में से निकलेंगे। ये स्वीडिश हॉल से स्टार्ट हो चुके हैं, वाओ।
थोड़ा खतरा है लेकिन फिर भी फन है। पूरा स्लिपरी है, कीचड़ है, संभल के। वाह, और ऊपर जाना है अभी तो। What is there? Is there anything else? Alles wunderbar. That's it. Okay. Wir haben auch andere gefragt, die hier reingelaufen sind. Okay. तो मैं खुद ही जाके देखता हूँ आगे क्या है। पूरा ब्रिज है, पूरा हिल रहा है। Oh my God. पाथ पे बने हुए हैं केव्स में से, तो ये सैंडस्टोन के माउंटेन्स हैं इनके बीच में से। अब मैं यहाँ थोड़ा आराम करता हूँ इस चट्टान पे। तो बस अभी मैं वापस उतर रहा हूँ स्वीडिश हॉल से। चढ़ने में काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी और कोई सपोर्ट नहीं था चढ़ते टाइम पे। मतलब आई थिंक ये ऑफिशियल हाइकिंग नहीं है, पर है, रास्ते बने हुए हैं तो आप करने आ सकते हैं। और ये है पूरा नज़ारा, इन सब पे आप चल रहे हैं और नीचे से पूरा पानी बह रहा है। तो ये स्वीडिश फॉल्स कहलाती है, यह हाइकिंग का नाम। ये देखिए पहाड़ों के बीचों से पानी बह रहा है, आप यहाँ पर चलेंगे तो ये दो पॉइंट हैं। अगर आप बास्ताई ब्रिज आ रहे हैं तो आप ये दोनों पॉइंट कवर हाइकिंग पे से कर सकते हैं। वास्तविक ब्रिज वाली हाइकिंग थोड़ी अच्छी है इन द सेंस, आई मीन एक्सेसिबल है। ये थोड़ी इनएक्सेसिबल सी बोलूँगा मैं। अभी जिस ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ वो भी हिल रहा है, गिर नहीं जाए। और उसके बाद फिर ये लोहे वाला ब्रिज, ये भी हिल रहा है, नीचे से पूरा पानी बह रहा है। लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे भी। उतर रहा हूँ वापसी पे स्वीडिश हॉल्स से। पर आपको बहुत केयरफुली उतरना पड़ेगा उतरते टाइम, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी, वैसे ही उतरना भी है। और एक स्टेप फिसला आपका तो आप सीधे नीचे, वो पता भी नहीं लगेगा कहाँ मिलेंगे। जो मैं इनएक्सेसिबल बोल रहा था वो देखिए ऐसे यहाँ तक स्टेप्स हैं, इसके बाद पूरा पहाड़ उतर के कीचड़ में फिसलना और ये सब चीज़ें हैं। मैंने अभी स्वीडिश हॉल की हॉल्स की हाइक कंप्लीट कर ली है।
और मेरे को अराउंड वही 1 आवर लगा ऊपर से ऊपर तक जाने में, नीचे आने में। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इस ट्रिप पे। मैंने जो बसेस बुक करी थी वो करी थी फ्लिक्स बस से, तो फ्लिक्स बस से मैं बर्लिन से ड्रेस्टन आया था, और मेरी जाने की भी वही है इवनिंग में ड्रेस्टन टू बर्लिन, जिसके लिए मैंने पे करे थे अराउंड 10 यूरोस, तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 900 रुपीज़ आना जाना। उसके बाद मैंने वहाँ से ड्रेस्टन से ट्रेन ली थी राथेन तक के लिए, तो जो ट्रेन थी वो 1 साइडेड प्राइस था 680 यूरोस। तो आना जाना मिला के मुझे पड़ रहा था टोटल अराउंड 13.5 यूरोस और समथिंग लाइक दिस। तो मैंने सोचा कि 1.5 यूरो और दे के 15 यूरो में 1 डे का टिकट ले लेता हूँ। तो 1 डे के टिकट में क्या है, मेरे को पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री है नेक्स्ट 24 आवर्स तक का, ड्रेस्टन और जो जहाँ पे भी VVO जिसको बोलते हैं FAO, ये कंपनी का नाम है जो ट्रेन ऑपरेट करती हैं इस जैक्सनी इलाके में। तो मैंने वो लिया, और ऊपर से मैंने रेवे टू गो लिडिल LD ये सब होते हैं ग्रॉसरी स्टोर, तो जनरली ये संडे को बंद रहते हैं, लेकिन जैसे आपके बस स्टैंड को यहाँ पे जड़ो भी बोलते हैं, तो जड़ो भी भानोफ मतलब रेलवे स्टेशन, वहाँ पे अगर ये हैं तो ये मोस्टली ओपन रहते हैं। और अभी ड्रेस्टन रेलवे स्टेशन पे मैंने लिडिल देखा था, रेवे टू गो देखा था, तो दोनों ओपन थे। ये काइंड ऑफ ग्रोसरी स्टोर होते हैं, यहाँ से आप चीप खाना उठा सकते हैं। तो मैंने एक तो सैंडविच लिया था, एक चीज़ ब्रेड ली थी, वाटर बॉटल ली थी, और मुझे कुछ अराउंड 5 यूरो देना पड़ा था। तो मेरा टोटल खर्चा हुआ है 30 यूरोज़ अभी तक। और हाँ, जब मैं यहाँ ट्रेन से उतर गया था तो जब मेरे को एल्ब रिवर क्रॉस करनी थी, क्योंकि राथेन 2 साइड बसा हुआ है, एक साइड तो उसका रेलवे स्टेशन है और दूसरी साइड से बास्ताई ब्रिज की और ये स्वीडिश फॉल्स की हाइकिंग स्टार्ट होती है, तो उसके लिए आपको 2.5 यूरो देने होंगे आने जाने दोनों तरफ का टिकट का। तो 2.5 यूरो में आपका आना जाना हो गया, तो यानी कि टोटल मैंने जो स्पेंड करे हैं इस ट्रिप पे वो है अराउंड 32.5 यूरोज़। और मे बी 8 यूरोज़ में आगे अभी कुछ नाश्ता वास्ता करूँगा, खाना वाना खाऊँगा, तो उसका मान लेता हूँ। तो टोटल एक्सपेंडिचर रहा मेरा 40 यूरोज़। बस अभी मैं वापस जा रहा हूँ राथेन की तरफ, जो कि सिटी है जहाँ से मुझे बोट लेनी है, और वापस ड्रेस्टन के लिए ट्रेन पकड़नी है। हाँ, एक बात और, बर्लिन से ये काफ़ी दूर नहीं है, अराउंड 3 आवर्स की जर्नी है, 2.5 आवर ड्रेस्टन, और वहाँ से 40-45 मिनट्स आपका राथेन की। तो अगर आप नेचर लवर हैं और आपको मतलब थोड़ा सिटी से एस्केप होना है तो 1 डे ट्रिप के लिए बेस्ट है। आप सुबह आइए आराम से, जल्दी निकलिए। मैंने 7:30 निकला था और अभी यहाँ पहुँच गया था अराउंड 12 o'clock। मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था ड्रेस्टन रेलवे स्टेशन पे भी, क्योंकि मैं बस इंक्वायरी कर रहा था कौन सा टिकट मुझे लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन कौन से टिकट अवेलेबल हैं, यही सब चीज़ें। तो मैं 12 बजे आया और अभी 4 बज रहा है, मैंने 3:30 हो रहा है एक्चुअल में, तो 3.5 घंटे में सब कुछ कवर कर लिया। इवन मैं बहुत थोड़ी देर बैठा भी रेलवे स्टेशन पे, पता करा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो यही है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ राथेन की साइड, तो कोई कॉस्टली नहीं है, इजीली अराउंड 40 यूरोज़ में आप पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, आना जाना सब कुछ मिला के। और इवन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक दिन ड्रेस्टन में भी बिता सकते हैं, जैसे 2 दिन के लिए आइए आप, सैटरडे बास्ताई ब्रिज और जैक्सन का ये नेशनल पार्क है ये घूमिए, और संडे आप ड्रेस्टन घूमिए। फाइनली मैं वापस राथेन पहुंच चुका हूं, अब यहां से मुझे वापस ड्रेस्टन की ट्रेन लेनी है। और ये विलेज कुछ फेरी टेल वाला विलेज लगता है, मतलब मकान देखिए आप, पूल, छोटी सी रिवर बह रही है, यही है यूरोप असली। यहाँ पे आपको ऐसे ही शॉपिंग शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, जैक्सोनी के बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टिकर्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, और वो मैग्नेट वाले जो होते हैं जो फ्रिज पे लगाते हैं, भूल गया उनका नाम, वो भी हैं। तो ये सब आप यहाँ से खरीद सकते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और ये फेरी टेल वाला विलेज है राथेन।
तो यहाँ पे आके आप होटल वोटल भी है यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन होटल क्वाइट एक्सपेंसिव है, तो आप बेटर होगा कि आप डस्टन में ही रुकें, इससे अच्छा यहाँ रुकने से अच्छा यहाँ पे आप आइए वन डे का हाइक वाइक करिए, सब कुछ करिए, ख़त्म करिए और शाम को निकल जाइए। बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने का है, सब कुछ है यहाँ पे, और रेस्टोरेंट अच्छे वाले भी हैं और आई मीन लोअर और मीडियम रेंज वाले भी हैं। तो यानी कि यहाँ पे मतलब जो मैंने खाया था अभी, वो मैंने कॉफ़ी पी थी, वो थी 1.5 यूरो। तो आपको S1 जो ट्रेन है वो लेनी है ड्रेस्डन से यहाँ आने के लिए, और यहाँ से ड्रेस्डन जाने के लिए भी S1 ही है, जो कि हर एक घंटे में चलती है और रात को 10 बजे तक चलती है, मॉर्निंग सुबह 6 o'clock से। और यह है पूरा स्टेशन कुरोट राथेन, सिटी का नाम राथेन है, कुरोट मतलब पता नहीं क्या होता है। ये यहाँ पे कभी बियर गार्डन हुआ करता था, लेकिन अभी बंद है। बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ से मुझे जाना है ड्रेस्डन, तो ड्रेस्डन की ट्रेन मुझे यहाँ से मिलेगी। और जब मैं आया था तो प्लेटफॉर्म नंबर 13 से मिलती है यहाँ आने की ट्रेन। तो बस मैं निकल गया हूँ ड्रेस्डन के लिए, पूरा टूर ख़त्म करके, और ड्रेस्डन से मैं फ्लिक्स बस पकड़ के बर्लिन के लिए निकल जाऊँगा। मुझे ट्रेन मिल गई तो बस अभी ट्रेन में बैठा हूँ, ड्रेस्डन पहुँचूँगा, वहाँ से फ्लिक्स बस पकड़ के बर्लिन पहुँच जाऊँगा। यही है आज का वीडियो, तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जगह पे, तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखना अपना। Thank you.